बिहार में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां शराबबंदी के बावजूद यहां शराबियों और शराब कारोबारियों की भीड़ है। शिवहर और सीतामढ़ी जिले की टीमों ने मिलकर छापेमारी कर सीतामढ़ी में 2.5 दर्जन शराबी और कारोबारियों को गिरफ्तार कर करीब 60 लीटर शराब बरामद की। वहीं गिरफ्तार किए गए कारोबारियों में से एक आम आदमी पार्टी का स्थानीय नेता के रूप में उसकी पहचान की गई, हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बिहार के कैमूर में बच्चा चोर की अफवाह के चलते एक निर्दोष मानसिक रूप से कमजोर महिला को कैमूर के लोगों ने पकड़कर लात घूसों से जमकर पीटा और ग्रामीणों ने पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, क्योंकि ग्रामीणों ने जब महिला से पूछताछ की तो वो कुछ बताने में सक्षम नहीं हो पाई, जिससे ग्रामीणों को लगा कि वो वही बच्चा चोर है और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि महिला मानसिक रूप से कमजोर है, जो काफी पूछताछ के बाद टूटे फूटे शब्दों में गांव और अपने बेटे का नाम बता पाई। सूचना पर महिला के घर वाले महिला को अपने साथ ले गए और बताया कि वो 2 महीने से लापता थी। पुलिस के समय पर आने से बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। राजस्थान के दौसा में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 1 साल की बच्ची अंकिता। परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो तुरंत प्रशासन को सूचना दी। बच्ची खेलते खेलते बोरवेल में गिर गई थी, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं प्रशासन ने जयपुर से SDRF की टीम को भी बुला लिया। बोरवेल 200 फीट का बताया जा रहा है, जिसमें करीब 60 से 70 फीट की गहराई पर मासूम अटकी हुई है। यूपी के उन्नाव में कोचिंग इंस्टीट्यूट का बोर्ड हाईटेंशन तार से छू जाने पर 3 लोग झुलस गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। घटना आनंद एकेडमी नाम के इंस्टीट्यूट की है। कोचिंग का बोर्ड तेज हवा के झोंके से हाईटेंशन लाइन से छू गई, जिससे 3 लोग चपेट में आ गए। कोचिंग संचालक समेत 2 स्टूडेंट बुरी तरह झुलसे। आनंद फानंद में 3 को अस्पताल भेजा गया, जिसमें कोचिंग संचालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और 2 छात्रों का इलाज चल रहा है। यूपी के बहराइच में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को दौड़ाया। जान बचाने के लिए युवक घनी आबादी के बीचों बीच एक घास फूस से ढके तालाब में कूद गया। हल्ला सुन तालाब के किनारे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने तालाब में फंसे युवक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और थाने ले गई। हनुमानगढ़ में किराना व्यापारी को फोन पर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। फिरौती की रकम देने के लिए दिया था 7 दिनों का समय। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी किराना व्यापारी के जानकार बताए जा रहे हैं।